ये मैं तेरे लिए ला। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। अरे अन्ना, बहुत गर्म है। गर्म ही में मजा आता है चाय का, पियो थोड़ा पियो। यार तुम क्या किया, तुम तो गरम चाय पिला दिए। ये हमारी बेगम है सायरा। नमस्कार। और ये बेटी सकीना। अरे भाभी जी, बुरा मानने की क्या बात है, इतने जिंदा दिल इंसान आजकल कहीं मिलते हैं। थैंक यू। देखा चाहे नहीं, अप्रिशिएट करना सीखो, लेकिन इनके लिए तो घर का मुर्गा दाल बराबर। अबे अप्पा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अम्मा आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है। आई एम सो एग्री अप्पा। देगा तुम लोग, देगा ये दोनों का दोनों अपने अम्मा का साइड लेता है और मेरा को साइड में कर देता है। ऐसा की ना बेटा, तुम किसका साइड लेते हैं? जो सही होता है उसकी। वाओ ग्रेट, तुम्हारी सोच तो बिल्कुल अलग है। कौन से क्लास में पढ़ती हो बेटा? 8th स्टैंडर्ड। विच बोर्ड? स्टेट बोर्ड। आगे जाके क्या बनना चाहोगी? वैसे तो कुछ सोचा नहीं है, बट आई वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ हटके करना चाहती हूँ। Something different, Sachin. तुम्हारा पार्टनर है ये। वो कैसे राजपूत जी? अरे यह भी है, डिफरेंट करना चाहते हैं। यह लिया इन्होंने लिबरल आर्ट। अंकल, लिबरल आर्ट क्या होता है? सकीना, लिबरल आर्ट से एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमें कोई भी सब्जेक्ट चूज करने की लिबर्टी होती है। ये 4 साल का कोर्स है और पहले 2 साल में हमें सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी, साइंस। और अगले 2 साल में हम अपने सब्जेक्ट्स जो हमें पसंद है हम वो चूज करते हैं। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि शुरुआत में हमें पता नहीं होता कि हमें क्या पसंद है, लेकिन पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि हमारी असली सब्जेक्ट्स की चॉइस कौन सी है। और इस कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई भी जॉनर के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे तुम साइंस के साथ सोशियोलॉजी ले सकती हो। वाह, तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही लूंगी, है ना मम्मी? हाँ बेटा, तुम्हारा जो मन करे वो लेना। अरे मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ, बेटी ने तो आपको अपनी बातों में उलझा के रख दिया। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं कुछ लेने का नहीं, कुछ नहीं है जी, ठीक है। अच्छा मैं समझ गई। अरे आप घबराइए मत, मैंने आप लोगों के लिए शाकाहारी भी बनाया है। पता है मैंने मीठी सेवइयां बनाई है, बिरयानी बनाई है और कोफ्ते भी बनाए हैं। ये सब तो आप लोग को चलेगा ना? चलेंगे, दौड़ेंगे। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, इसी बहाने कुछ सीखूंगी, स्पेशली सेवइयां। अम्मा, मैं भी आपके साथ चलूं? If you are interested, चलो। जाओ जाओ, कुछ नया सीख के आओ। रोज रोज डोसा वही होता पा, खा के बोर हो गया। भाभी जी सिखाओ कुछ। हाँ। कुछ अच्छा सिखाओ, बिरयानी कुछ, चिकन। क्यों मामा, इतना सारा बना के रख दिया आपने? आंटी, लगता है आप तो कल से रसोई में लग गई होंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ मैंने सिर्फ 3 घंटे में बनाया। अच्छा, क्या क्या बना आपने? अरे आप लोग जो खा सकते हैं सब कुछ बनाया। अच्छा। कोफ्ते, वाह, और ये रायता, ये बिरयानी, और ये सेवैया। और इसके अलावा ईद में और जो कुछ भी बनता है वो भी बनाया मैंने। वाह साहब, एक बात पूछेंगे मैं, ये आपका किचन में इतना सारा सामान, इतना आइटम बन रहे हैं, तो प्याज तो डालते होंगे ना? खुद डाला होगा राघवन जी, बगैर प्याज के कैसे बन सकता
ये आपने मेरे को बोल दिया, दूसरे को नहीं बोलना। क्यों? इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाएगा। सचिन, तुम्हारे पापा हम लोगों को इतना हंसाते कुछ पूछो नहीं। अंकल मैं भी बहुत हंसा सकती हूँ। अच्छा एक नमूना हो जाए। अंकल प्याज की बात ले लो, कल मैंने 5 रुपए के 3 प्याज लिए। 5 रुपए के 3? मेरे को उसका प्याज वाले का एड्रेस दो। अप्पा कैसे? अंकल वैसे तो वो 5 का 1 दे रहा था, 1 मैं चुरा के भाग गई। और तीसरा? तीसरा तीसरा उसने मुझ पर फेंक के मारा। अरे सायरा मुझे आपसे सेवैया बनाना सीखनी है, वैसे मैं बना लेती हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं बनता है जितना आपके हाथ से बनता है। अरे मैं तो बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। पता है मैं मक्खन को ना आधा गरम करके अलग कर देती हूँ, फिर उसके बाद दूध लेती हूँ बर्तन में, खोया चीनी छोटी इलायची और जाफरन डालकर उबाल लेती हूँ, फिर उसके बाद भुनी हुई सेवई डाल देती हूँ और उसके बाद पिस्ते और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े भी। हो गई सेवई तैयार। हाथ हाथ की बात है ना, मेरा भी प्रोसीजर यही है लेकिन इतना अच्छा कभी नहीं बनता है। वैसे आंटी आप लोग जैसी बिरयानी ना कोई नहीं बना सकता, मुझे सीखनी आपसे रेसिपी बताइए ना प्लीज। कंटा कंटा रिलैक्स रिलैक्स, बिरयानी नेक्स्ट टाइम सीख लेना, अभी जल्दी जाओ सर्व करना है ना, तेरे अप्पा का भूख मालूम है ना। वाह लेकिन आंटी नेक्स्ट टाइम पक्का? हाँ बेटा एकदम पक्का सिखाते हैं। हम भी हेल्प करते हैं, चलो डालते हैं। करो बाबा अप्पा का भूख। अम्मा स्पून लो। लेकिन खाना पकाने में बहुत पीछे। खाने में तो आगे है ना। अभी कहने की बात थी, बोली पापा आपके लिए खिचड़ी पकाऊं कि बिरयानी? मैंने कहा बेटा पहले तू पका ले, बाद में उसका नाम रख लेंगे। अबू हम आपसे करती है। लो जी हो गया मेरा हुक्का पानी बंद। अबे तुम्हारा खैर नहीं। हुक्का पानी से याद आया, आपने लीगन जी के बारे में जो कहा था, जब भी याद आता तो हंसी नहीं रुकती है। क्या कहा था आपने? हमारे दफ्तर में गांव के कुछ लोग सरपंच का फरमान लेकर के आए और तुम्हारे वाली से कहा कि हमने नीलम का हुक्का पानी बंद कर दिया है। फिर जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या कहा? तो ये बोले नीलम हुक्का पीता हमें तो यकीन नहीं, और यूं भी हुक्का सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए आपने हुक्का पानी बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, जो हुक्का लेके आए थे उनका हुक्का बुझ गया। अरे रहमत साहब तुम इधर का हुक्का छोड़ो, उधर किचन का हुक्का जाके देखो, उधर जल रहा कि नहीं जल रहा, ये लोग कितना टाइम हो गया गए हुए हैं, ऐसे तो नहीं कि ये लोग बना रहे खा रहे बना रहे खा रहे, हमारे लिए कुछ नहीं। अरे नहीं राघवन जी ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी देखता हूँ। अब देखना सिर्फ है खाने का नहीं तुम। देख के आने का जल्दी। अरे देखा ये कहा बेटा, अच्छा लगा तुमसे मिलके। ना एक बात मालूम हम इधर क्यों आए? हाँ, आज बकरी ईद है। वो तो ठीक है बकरी ईद इसलिए, लेकिन हम ये भी जानने के लिए आए कि ये कुर्बानी काहे को होता है। एक बार खुदा ने सोचा कि वो अपने सबसे बड़े जाने वाले यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज होगी उसकी कुर्बानी देनी होगी। इब्राहिम को सबसे प्यारी उसकी औलाद थी, नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने ममता का गला घोट के आंखें बंद करके इस्माइल पर छुरी चला दी, पर छुरी चली नहीं। इब्राहिम जी ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा इस्माइल तो जिंदा ही है, साथ ही उसी जगह पे एक बकरा खड़ा हो गया। तभी से इस त्योहार को कुर्बानी की परे के रूप में मनाया जाता है। देखा, थैंक यू बेटा थैंक यू। अरे क्या हुआ बेगम, इतनी देर कैसे लग गई,
सर को बहुत भूख लग रही है। अरे अरे खाना तैयार हो गया, लेके जा रही हूँ, चलिए। हाँ। पापा ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। आज की बात बताओ, डिटेल में मेरे को भी नहीं मालूम। आइए देखिए। वाह 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 वाह, लगाइए यार। देखिए राघवन जी आ गया सब कुछ। अरे भाई वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है बेटा तेरे अम्मा ने हाथ नहीं लगाए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इन्होंने हमारी अंदर बहुत मदद की है। अच्छा उसके बाद भी इतना अच्छा खाना बन गया, कमाल। मिस्टर राघवन कल से आप कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेना। व्हाई? बिकॉज कल से मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ। भाई बात नहीं, तुम खाना नहीं बनाते तो क्या हो गया? हमारा बेटे है सरोजनी, वो हमारे लिए खाना बनाएगा। आमा ठीक है, ये खाना बनाएगा, आप उसके जगह स्कूल जाना। ओके ओके, अभी हमको खाना खाने दो, आपको डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हाँ अप्पा को खाना खाते हो डिस्टर्ब मत करो, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू सी। आज का दिन बहुत ही खास है, आज अल्लाह का इतना रहम करम होता है कि जो भी चीज बनाओ उसका जायका कुछ खास हो जाता है। यू आर राइट, ऑलमाइटी ग्रेट, बहुत कृपा है। हाँ हम पर खुदा की कुछ ज्यादा ही मेहरबानियां हैं। पता है सकीना ने इस ईद पर मुझे क्या तोहफा दिया है? आप लोगों में कोई अंदाजा भी लगा सकता है? सलवार कमीज, साड़ी। पता है आपको, आप सोच भी नहीं सकते हैं इसने मुझे चिमटा लाके दिया। और कहा अम्मा अब जब आप रोटियां बनाएंगे ना तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। ग्रेट, वेरी ग्रेट। सकीना की यह बात पर मेरे को ईद का कहानी याद आ गई जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। बच्चों की मनोदशा का यथार्थ चित्रण करने वाली इतनी अच्छी कहानी मैंने आज तक नहीं पढ़ी। सकीना में मेरे को ईदगाह का हामिद दिख रहा है, जो ईद वाले दिन अपने 3 पैसे में ना वो खिलौना लेता है ना मिठाई लेता है, अपनी अम्मा के लिए चिमटा लेता है ताकि उसकी अम्मा का हाथ मिल जाए। वाह अभी खाना खाए शुरू। थैंक यू।
माँ माँ नाश्ता जल्दी लगा, मैंने देर हो रही से। माँ माँ तैयार हो गया, नाश्ता लगा दो। भाई स्क्रू ढीला हो गया के? तो कोमर थारे से फालतू बात करने का वक्त तो है ना हमारे पास, स्कूल जाना मन ने, देर हो रही से। तो जाओ, रोका किसने है? हाँ पता है मन ने, थारा मन तो करता ना है स्कूल जाने का, जाती भी है तो बेमन से। ए, मारी तरह बन, मारी तरह थोड़ा सीरियस हो जा। सीरियस ना भाई, थारी तरह सीरियस ना होना मन ने। पता है मन ने, मानने वाले दिन तू पैदा ना हुई। माँ माँ नाश्ता के बाद। राज ये तूने स्कूल ड्रेस क्यों पहना है? माँ स्कूल तो स्कूल ड्रेस पहन के ही जाऊंगा ना। बेटा तबियत ठीक है तारी? आज रविवार से। अच्छा कोमल की बच्ची इतनी देर से बात करी थी, बता नहीं सकती थी क्या छुट्टी है? मैंने सोचा ये सुख काम बड़ी माई कर ले तो अच्छा होगा, मैं बोलती तो आप बुरा मान जाते ना। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो तुझे जबरदस्ती उठाना पड़ता है कि बेटा जाग जा स्कूल जाना है, पर आज आज तो बिना बोले तैयार हो गया। क्या बात है राज? बात बात की होगी माँ, बात कुछ भी ना है, बस मारे ख्याल में ना रहा कि आज छुट्टी है। माँ ऐसा तो नहीं कि शायद थारे ख्यालों में कोई घुस गई हो, उसी ने ये ख्याल ना आने दिया हो कि आज संडे है। क्यों बड़ी माँ? तू छोरी है इसी बात का ख्याल कर रहा हूँ, वरना वरना के कर लेते। बताओ बताओ अरे अरे राज राज रहन दे छोटी बहन से थारी, चलो बैठ जाओ दोनों यहाँ पे, नाश्ता लगाती हूँ मैं। चल चल नाश्ता करते अभी। चल छोटी बहन थी, नहीं बता सकती थी माँ के सामने मारा। अब पछड़ा कर दिया तूने। जब से देखा है तुम्हें ना एक पल कहन हमें, लगता है दे डालूं मैं अपना जी जान तुम्हें। ला 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 हे 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 ला 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 ला। के बात से बेटा, किसने फोन मिला रहा से? जी 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 वो दादाजी को, दादाजी को। ओ अच्छा दादाजी को याद आ रही से? हाँ माँ हाँ याद आ रही है, वो क्या है ना उनकी आवाज़ नहीं सुनी बहुत दिनों से, तो सोचा बात कर लेता हूँ और पिकनिक के बारे में भी बता देता हूँ। वाह देखो जी, जे होवे है असली खून, थारे दादाजी जाने से पहले तने कितना डांटे, तू है सब भूल गया। हाँ वो बड़े हैं तो डांट दिया तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे वो मुझसे प्यार घना करे हैं। हाँ ये बात तो है। लगा फिर फोन लगा, लग जावे तो मने भी बात करवा देना ठीक से? जी माँ जी माँ। हेलो 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 इडियट, कौन रे यार, फिर रख दिया। क्या हुआ पापा? क्या हुआ क्या, पता नहीं कौन हमको परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं। ये तीन बार ऐसा किया, मैं हेलो हेलो कर रहे हैं वो बोलता नहीं है, रख देते। इट्स ओके पापा, ऐसा तो होते रहता है। नो नो ऐसा होता नहीं है,
जान बोझ के कोई मेरे को परेशान करने का कोशिश कर रहे है। He doesn't know, I am government officer, you see? तो पता नहीं है ये कौन फोन कर रहा है, कहां से फोन कर रहा है, मैं पता करके रहेंगे। अप्पा, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? एक बात बताओ सरोजनी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हैं? हैं? ये फोन तुम्हारे लिए तो नहीं था कहीं? मेरे लिए क्यों होगा अप्पा? हमको पता करने दो कौन कर रहा है ये फोन। अप्पा, कल की बात है, तीन बार कॉल आए थे, मैंने हेलो बोला तो सामने वाले ने सुन के रख दिया। कल कितना बजे? सुबह की 9:30 बजे। 9 बजे तो मैं घर पे था इधर। सॉरी, शायद पहले हुआ था। Then why did you lie? वो अप्पा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ज़्यादा टेंशन लो। देखो बेटा, मेरे को पता है तुम मेरे बारे में बहुत सोचता है, मेरा फिकर करता है। ठीक है, मैं पता नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा कॉल आएंगे ना बेटा, मेरे को बोलना, मैं उसका कवर लेंगे, समझे ना? ये सब अप्पा। मैं देख रहा हूँ। हेलो, हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अंकल, मैं सरोजनी की सहेली कमला बोल रही हूँ। कमला का अमला, कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? आई एम वेरी फाइन। अच्छा अंकल, सरोजनी से बात हो सकती है? इम्पोर्टेंट काम था। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, वन सेकंड।